India is an agrarian economy where livestock and cattle always play an important role. Among these vast number of livestock, there are but a handful that stand literally head and shoulders above the rest, like Yuvraj. Boasting a length of 14 feet and standing more than 5 feet 9 inches tall, Yuvraj weighs a staggering 1,400 kilograms. Yuvraj ki jo mother hai, uska naam Ganga hai. वो मैं बहुत पुराने टाइम में बाहर से जज्जर के पास से खरीद के लाया था और इसका जो पिता है युवराज वो मैंने 8 महीने का वो भी बाहर से परचेज किया तो उसी से मैंने नस्ल तैयार करी है और ये मेरे घर ही पैदा हुआ है और इसको देखने के बाद जब ये 100 में जाते हैं आज पूरे देश में कि हर आदमी के दिमाग में आता है जो किसान है पशुपालन है भी मेरे घर भी युवराज जैसा बच्चा पैदा हो विद हिज शियर साइज एंड ब्यूटी युवराज बीट्स सेवरल माइटी बुल्स and was declared the champion at the All India Cattle Show held in Meerut in 2014. This is not his first such award. He has already bagged over 16 awards in the last few years. Jitne bhi bull hain lagbhag har bull se mere apne paas bhi taiyar kiye sabse difference hai ye dekhne mein itna sundar lagta hai iski jo harkatein hain ये अपनी जगह में जहाँ बैठता मैं पेशाब नहीं करता ना ये वहाँ पे गोबर करता ये साफ सुथरा रहता है और शांत बहुत है आपने भी देखा होगा ये युवराज की अलग ही पहचान है इसलिए युवराज जिस भी शो में जाता है ऑल इंडिया में जहाँ भी शो लगता है बेस्ट एनिमल ऑफ शो बना है खाली फर्स्ट नहीं आया Yuvraj can produce around 3.5 to 5 milliliters of high-quality semen every day. This is used for artificial insemination for Marra buffaloes, with each insemination requiring only 0.25 milliliters. Semen ka process ye semen bank ke andar hi semen taiyar hota hai. Wo apne hisab se bull ko mount karate hain. Uska veerya lene ke baad apni laboratory mein उसकी मोटिलिटी वगैरह चेक करके और उसके बाद फिर वो उसको सीलिंग फिलिंग करते हैं और जितना भी उनका टाइम होता है वो उसको फ्रीजिंग करते हैं फ्रीजिंग के बाद फिर LN2 में डालने के बाद सीमन को दोबारा चेक करते हैं और अगर सीमन सही है तो उसके बाद वो लिक्विड नाइट्रोजन को सीमन में डाल देते हैं और ये सीमन लगभग 40-50 साल सेफ रह सकता है इसमें लिक्विड जो नाइट्रोजन है वो लगातार मतलब वो कम नहीं होनी चाहिए उसके अंदर ये डूबा रहना चाहिए और इसका एक ही फायदा है अभी सीमन को आप देश विदेश कहीं भी ले जा सकते हैं और जोटा तो ज़्यादा से ज़्यादा बुल एक या दो भैंसी क्रॉस कर सकता है और इससे कम से कम 500-600 सीमन बन जाता है जो 500-600 भैंसी प्रेग्नेंट हो सकती है और क्रॉस कराने से उसको भैंस को भी नुकसान होगा जैसे ज़्यादा हैवी बुल होते हैं और उसको भूल को भी नुकसान हो सकता है तो उससे आज भैंसों में बीमारियाँ चली हुई हैं जैसे ब्रोसला जीडी टीवी काफ़ी तरह की बीमारियाँ हैं लगभग हफ्ते में एक बार इसका सीमन कलेक्शन करता हूँ मैं खाली सीमन न बेच के इसके शरीर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ और जैसे भी अब गर्मी है गर्मी के अंदर सीमन बहुत कम लेते हैं उसके अंदर जानवर गर्मी ज़्यादा अच्छा सीमन नहीं देता अब जैसे बरसात हो जाएगी मौसम बड़ी हो जाएगा फिर जनवरी के महीने में जैसे फरवरी मार्च में कुछ मौसम बड़ी हो जाए जिस महीने में सीमन अच्छा है ज़्यादातर सीमन उसी महीने में लेते हैं नॉर्मल बुल का तो 15 रुपये का बिकता है इसका 300 रुपये का बिकता है सीमन भी ज़्यादा देता है 600 से 800 900 तक एक बार में सीमन दे देता है उसे जो इसका बच्चा पैदा होता है लगभग ऐसा पैदा होती उसका लगभग वजन होता है 50 किलो से 70 किलो तक काम नॉर्मल जो दूसरे बुलों के बच्चे हैं उनका यही 40-45-50 इस रेंज में होता है
और बहुत जल्दी ग्रोथ लेते हैं। मोटा मोटी अगर हम अच्छा दूध पिला रहे तो ये 13-14 महीने में गाभिन होने के लिए तैयार हो जाए, और 16-17 महीने तक लगभग हम इसको सीमन लगवा देते हैं इसकी बटरी में, जो 2.5 साल से तकरीबन 2 दांत बोलते हैं, जब वो 2.5 साल की होती है वो बच्चा दे देती है इसकी बटरी। बाकी नॉर्मल बुलों का वेट कम होता है, उनकी कटियाँ कोई 3 साल में बच्चा देते हैं, कोई 4 में देते हैं। इसकी माँ की जो क्वालिटी लगा लो या भगवान के उसके दिए गुण लगा लो, वो आज तक 1.25 महीने में प्रेग्नेंट दोबारा हो जाती है बच्चा देने के बाद, हर साल बच्चा देती है, तो वो गुण आगे इसके बच्चों में भी आ रहे हैं। युवराज's semen is in high demand amongst dairy farmers all across North India. It takes a lot of labor and money to look after this huge animal. ये देखने में जितना आपको बढ़िया काम लग रहा है उससे ज्यादा टफ है, मेहनत बहुत ज्यादा, रात दिन की, खर्चा बहुत है। युवराज पे लगभग एक दिन का 3,000-3,500 रुपए का खर्च आता है, जिसमें इसको 20 लीटर तो दूध पिलाते हैं। बचपन से इसको एक आदत बनी है, अगर इसको दूध नहीं देंगे तो ये मतलब चारा नहीं खाएगा, इधर उधर दौड़ेगा, भूख की दवाई, लीवर की दवाई, बीमारी समारी। तो मेरे पास 24-25 जानवर है, पूरा 6 लाख रुपए का खर्चा बैठता है, 3 लाख का दाना लग जाता है, 1 लाख रुपए की लेबर है, तूड़ी है, आ रहा है, साल का 70 लाख के करीब लगभग 65 का खर्चा ही खर्चा बैठ जाता है। Yuvraj's owner, Karamveer, has been offered hefty sums of money for the sale of his bull, with the price going up to over 9 crore rupees or over $1.3 million. जब से 100 में जाने लगा, धीरे धीरे छोटी कैटेगरी में 100 लड़ा, फिर थोड़ी बड़ी में लड़ा, फिर ये एडल्ट बुल बन गया तो उसमें इसने लड़ा। इसका रेट जो 2 करोड़ से शुरू हुआ था, लगते लगते फिर इसका 4 करोड़ लगा, फिर 7 करोड़ लगा। इसके बाद बागपत की कोई पंचायत थी, वो बोल रहे थे हम इसको 9.25 करोड़ रुपए में लेने के लिए तैयार है। उससे पहले करनाल लगा था, 11वें महीने में पिछले साल गया, तो साउथ अफ्रीका की कंपनी थी, उन्हें भी लगाया था। He, however, rejected all the offers because he couldn't get himself to part with Yuvraj, whom he loves as much as his own children. He believes that everything in life is not just about money. मेरा तो मन नहीं करता बेचने का, पैसे दुनिया के पास बहुत हैं, पैसा ही तो नहीं खाना, रोटी खानी, किसी चीज़ से प्यार से पाला, उस चीज़ ने अपना नाम किया, उसको अपना बच्चों से भी ज़्यादा लगाव हो गया, और मैं अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, बच्चे बाद में, युवराज पहले। Yuvraj is not the only prized bull Karamveer owns. Yuvraj's mother Ganga, father Yograj, brother Dhoni and son Helicopter also bring great pride to this farmer. Ganga is a high-yield buffalo and has already given birth to her 18th child. All the names of his cattle obviously highlighting Karamveer's great interest in Indian cricket. Cricket ke to Hindustan mein zyada log fan hai, baki us time ye mera Yuvraj jawan hone lag raha tha. उस टाइम युवराज सिंह भी इंडिया की टीम में नंबर 1 पे बढ़िया खिलाड़ी था, तो यार दोस्तों ने यही विचार विमर्श करके भी इसका नाम युवराज रखो, इसका फादर का नाम योगराज रखो, इसलिए इसी लाइन में इनके सारों के नाम रखे। युवराज इज नो लेस देन अ सेलिब्रिटी कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट हिज फैन फॉलोइंग अराउंड द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग बाय द डे।
The relationship between Karamveer and his bovine son Yuvraj shows us how strong a bond there can be between man and his animal.